चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ह्यूमन पाइप कंपनी लिमिटेड का। इनका अपन ने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है, चलिए, और डिटेल में एनालिसिस अपन ने स्टूडेंट्स के साथ में भी वहाँ क्लासेस में भी किया था। तो करंट प्राइस चल रही है 537 रुपीज़ की, बुक वैल्यू है 157 रुपीज़ की, प्रोडक्ट स्कोर ठीक ठाक है 7 का। ये जो कंपनी है बेसिकली 1926 की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग और लेइंग है वो पाइपलाइंस का काम करते हैं, पाइपलाइंस के मार्केट में है ये। चलिए अब अगर अपन देखें यहाँ स्टॉक जो है 3.19 टाइम्स ट्रेड कर अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ पुअर दिखाई है, वो है -3.34% की लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लो है, वो 9.21% है लास्ट 3 ईयर से। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज कर रखी है 30.7% की, और कंपनी का जो डेटर डेज है वो हाई है 174 के। अब अगर अपनी तरफ से अपन देखें तो हर यहाँ पे जो क्वार्टर है इनका प्रॉफिट में 44 करोड़ का प्रॉफिट है इनका 2024 में, उसके पहले 15 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर उसके पहले 10 करोड़ का, तो लगातार हर क्वार्टर प्रॉफिट में। अगर यहाँ पे अपन देखें ईयरली बेसिस पे तो 78 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 56 करोड़ का प्रॉफिट था। इनका जो हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है वो 2017 में हुआ है, बट ओवरऑल हर ईयर इनका प्रॉफिट में है, और 10% का डिविडेंड पे आउट भी है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 213 करोड़ का सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -68 करोड़ का। ओवरऑल नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, वह 108 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 72.34% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.92% की, डीआईएस की होल्डिंग है 2.21% की, और पब्लिक होल्डिंग है 24.52% की। अगर अपन ओवरऑल देखें तो यहाँ होल्डिंग भी बढ़ाई है 2020 मार्च 2023 के बाद 69.93 से बढ़ा करके 72.34% की है। अब अगर अपन एनालिसिस की बात करें तो यहाँ लास्ट अपन ने 345 पर एनालिसिस किया था, अभी ये 545 पे चल रहा है, तो 200 रुपये से बढ़ चुका है अच्छा खासा लास्ट अपने एनालिसिस के बाद। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे 570 के बाद ही हम कुछ भी व्यू बना रहे हैं, 570.60 बल्कि 570.60 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ एक रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बड़ा, और बाकी ओवरऑल स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया अपने एनालिसिस के बाद में। तो जिन्होंने इसमें एनालिसिस करके अपनी तरफ से अपना और खुद का भी एनालिसिस हमेशा करना चाहिए, अपनी तरफ से आपने एनालिसिस करके अगर एंट्री की हुई होगी तो अच्छा आप लोगों को मुनाफा भी हुआ होगा, और शायद किन्हीं ने हमें भेजा भी था कि उन्होंने इसमें एंट्री की थी, तो उसके लिए भाई बहुत अच्छी बात है। आपने भी अपनी तरफ से माइंड लगा करके आपने अपना एनालिसिस व्यू बनाया, और हमारे एनालिसिस का भी आपने सपोर्ट लिया, अपनी जो आपने जो भी थ्योरी बनाई थी उसके बेसिस पर आपको अच्छा मुनाफा भी हुआ होगा। तो चलिए बस इतना ही है, 570.60 के बाद ही हम कुछ भी व्यू बनाएंगे, क्योंकि ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस है। और अगर आप लोगों को और अच्छे से ट्रेड करना और डिटेल एनालिसिस करना सीखना है तो आप यहाँ हमारे एडमिशन ले सकते हैं, हमने नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से, ओके।